दोस्तों केवीएस पीआरटी 2022 जिसकी परीक्षा फरवरी 2023 में होना प्रस्तावित है, क्या इसकी तिथियों में बदलाव होने जा रहा है, क्या परीक्षा टलने जा रही है, डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और केवीएस पीआरटी के पिछले 5 वर्षों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखने के लिए अगर आप चाहें तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। ये मामला इसलिए प्रकाश में आया क्योंकि 27 जनवरी 2023 यानी कल के दिन ऑल इंडिया केंद्रीय विद्यालय टीचर्स एसोसिएशन के द्वारा एक लेटर लिखा गया है कमिश्नर को केंद्रीय विद्यालय संगठन के। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये अनुरोध किया गया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रिक्वेस्ट टू पोस्टपोन द टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जाम फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी कि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रही है जिसके अंतर्गत फरवरी में परीक्षाएं होना प्रस्तावित है उसको टालने के संदर्भ में यहाँ पर रिक्वेस्ट किया गया। अब क्या क्या कारण बताए गए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो फरवरी में होना प्रस्तावित है। इसके अलावा जो केवीएस में पहले से टीचर्स हैं, जो इन सर्विस टीचर्स हैं, उनके द्वारा जो प्रमोशन के लिए एक तरीके से जो हायर पोस्ट पे, जैसे जो प्राइमरी का होगा वो टीजीटी पीजीटी में प्रिंसिपल के लिए अगर एलिजिबल होगा तो अप्लाई किए होंगे, तो उनके द्वारा ये रिक्वेस्ट किया गया कि उनको समय नहीं मिल पा रहा कि वो अपनी तैयारी कर पाएँ, क्योंकि सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएँ भी है, इसके अलावा रेमेडियल क्लासेज चलानी है, इसके अलावा प्रैक्टिकल्स होने हैं, इसके अलावा जो 2 सालों से कोविड की वजह से लगातार क्लासेज नहीं चल पाई थी उसकी वजह से अभ्यर्थी पिछड़ गए हैं और उनको भी ध्यान में रखते हुए उनको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ा, ये सभी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। और इसलिए यहाँ पर ये बोला गया है कि आप जो रिक्रूटमेंट का डेट है उसको आगे पोस्टपोन कर दीजिए। यहाँ पर आप लास्ट लाइन में देख सकते हैं, AIKVTA हैज रिसीव्ड अ लॉट ऑफ प्रेजेंटेशन फ्रॉम द टीचर्स रिक्वेस्टिंग टू ब्रिंग द मैटर टू योर काइंड नोटिस। वी एक्सपेक्ट दैट यू विल कंसिडर द मैटर सिंपैथेटिकली एंड पोस्टपोन द डेट ऑफ एफोरसेड एग्जामिनेशन टू अ नियर फ्यूचर वेयर द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स डू नॉट सफर। यानी कि इनके पास लगातार केवीएस के जो टीचर्स होते थे उनके द्वारा रिक्वेस्ट भेजी जाती थी कि ये इनके मुद्दे को केवीएस संगठन के समक्ष प्रस्तुत करें, और इन्होंने इसलिए ये पत्र लिखा है और अनुरोध किया है कि केवीएस की तिथियों को आगे बढ़ाया जाए। देखिए, जो सोशल मीडिया साइट्स पर खबरें चल रही हैं कि केवीएस पीआरटी का डेट आगे बढ़ जाएगा, देखिए ये केवीएस पीआरटी के लिए है भी नहीं, क्योंकि जो इन सर्विस टीचर्स हैं जो पहले से केवीएस में पढ़ा रहे हैं, जो केवीएस में टीचिंग जॉब्स के लिए जो सबसे निम्न पोस्ट होता है वो प्राइमरी का होता है, अब ये बंदे पहले से प्राइमरी टीचर होंगे तभी वो ऊपर के भर्तियों के लिए इस प्रकार का डेट को एक्सटेंड करने के लिए किए हैं, तो ये केवीएस पीआरटी के संबंध में है ही नहीं, ये ज़्यादा टीजीटी पीजीटी और प्रिंसिपल पोस्ट के लिए हो सकता है। लेकिन फिर भी केवीएस पीआरटी कभी भी नहीं चाहेगी कि इसकी तिथियों को आगे बढ़ाना। इस प्रकार का मामला 2018 में भी प्रकाश में आया था और उस समय भी केवीएस से अनुरोध किया गया था कि आप परीक्षा तिथियों को आगे बढ़ा दीजिए, लेकिन केवीएस संगठन ने अपनी डेट को आगे नहीं बढ़ाया था। इस बार भी उम्मीदें बहुत कम है कि डेट आगे बढ़ेंगी, आप सब अपनी जो टेंटेटिव डेट केवीएस के द्वारा दी गई है उसी को ध्यान में रखते हुए अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहें। अगर आप केवीएस पीआरटी 18, 17, 16, 15 और पहले के प्रीवियस ईयर कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।